नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज सर्वेश शर्मा एंड वी आर रीडिंग पोएट्री सेक्शन। इन अवर प्रीवियस क्लास आई स्टार्टेड फर्स्ट पोएम इलेज रिटन कंट्री चर्चयार्ड पेंड बाय थॉमस ग्रे। इन दिस पोएम द पोएट शिटिंग in the country churchyard under the shapeless tree thinks about the life of the persons who spends their whole life in obscurity. They get birth at unknown places and die at the unknown places. In the poem, in our first class, we try to get knowledge about the poet, about the poem, about the form of poem. And you know that is the elegy penned by Thomas Gray. This poem begins with the line, "The curfew tolls," and we read this poem from "The curfew tolls" to and leave the world to darkness and to me. हमने इस poem को पिछली क्लास में curfew tolls से लेकर के and leave the world to darkness and to me तक पढ़ लिया। इस पोएम के बारे में, इस पोएट के बारे में हम सारी बातें पहले कर चुके हैं। अब आगे की लेंस देखते हैं वन बाय वन करके। मैं कुछ आपको तरीके बता देता हूं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी तरह से है। पहले मैं वन बाय वन आपको डिफिकल्ट वर्ड्स कराऊंगा, इसका हिंदी में अनुवाद कराऊंगा, उसके बाद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को दो प्रकार से करेंगे, ओरली भी करेंगे और रिटन भी करेंगे। पहले हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन हम आपको लिखाएंगे, उनको विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बी ऑफ एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दीज आर द फोर लाइन्स Now fades। हमने अब तक जाना कि कवि कहता है कि सूर्य इस संसार को छोड़कर जा चुका है, जा रहा है, इस अंधेरे को मुझे सौंप कर, यानी कि मैं इस अंधेरे में बचा हुआ हूं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, अंधेरे के लिए और मेरे लिए इस दुनिया को छोड़ करके सूर्य जा। ये जो घटनाक्रम है, द पोएट इज सिटिंग इन अ कंट्री चर्च यार्ड एंड द आवर ऑफ द इवनिंग एंडिंग ऑफ डे एंड टू लाइट देयर इज टू लाइट, ये सूर्य अस्त का समय है, दैट इज द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द सन। सूर्य अस्त होने वाला है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, उस समय की बात है। पहली चार लाइन हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप देखिए, Now fades, fades means dim, dim means धुंधला होना। Now fades, the glimmering landscape on the sight। Now fades, fades the glimmering का अर्थ है चमक का धुंधला होना। इसका अर्थ भी dim of glittering होता है, यानी कि चमक का धुंधला हो जाना। लैंडस्केप भूमि तल, लैंडस्केप भूमि तल ऑन द साइड देखने पर। देखो ये साइट SITHT, एक साइट SITE होता है, ये भी होता है, ये दृश्य वाला है, ये स्थान वाला है।
आपने सुना होगा मेरी आई साइड वीक है, दैट इज नॉट आई साइड, दैट इज आई साइट. ओके, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट. अब देखने में जो पृथ्वी भूतल है, पृथ्वी का तल है, वो धुंधला हो गया है. यानी कि ट्वाइलाइट है, गोधूली का समय है, सेटिंग सन का टाइम है, तो धुंधला धुंधला हो जाता है. उसके बारे में आपको द पॉइंट वॉन्ट्स टू एक्नोलेज द स्टूडेंट अबाउट द एनवायरमेंट. ओके, एंड ऑल द एयर, एयर मीन्स एयर एनवायरमेंट, एटमोस्फियर एंड ऑल द एयर, एंड ऑल द एयर, पूरा के पूरा वातावरण, शोलम, शोलम इज सीरियस, शोलम इज सीरियस. आप जो वर्ड है वो इंग्लिश में ही लिखें, इंग्लिश में ही लर्न करें. एंड ऑल द एयर इज शोलम, स्टिलनेस, स्टिलनेस, कामनेस, सीरियस गंभीर. एंड ऑल द एयर, पूरा के पूरा जो वातावरण है, ऑल द एयर एनवायरमेंट, अ सोलम स्टिलनेस, एक गंभीर शांति में होल्ड्स, क्लचेस, जकड़ा हुआ है. यानी पूरे के पूरे वातावरण में एक गंभीर शांति छाई हुई है. द होल एनवायरमेंट इज कवर्ड विद अ सीरियस कामनेस. पूरे पूरे वातावरण में चारों तरफ गंभीर शांति छाई हुई है. सेव वेयर शेव एक्सेप्ट शिवाय वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रॉइंग फायर फ्लाइट. सिवाय उस स्थान को छोड़ करके जहां पर बीटल, बीटल ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, काइंड ऑफ इंसेक्ट बीटल, द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉइंग फ्लाइट, ड्रॉइंग फ्लाइट, व्हील्स इज ड्रॉइंग फ्लाइट. ड्रॉइंग फ्लाइट का मतलब है टू फ्लाई इन अ सर्कल विद हमिंग साउंड. केवल उस स्थान पर शांति भंग होती है. सेम वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रॉइंग फ्लाइट. सिवाय उस स्थान के जहां पर भंवरे, भौरे, बीटल इज काइंड ऑफ इंसेक्ट यानी भंवरे, व्हील्स इज ड्रॉइंग फ्लाइट, जहां मंडराते हैं, हॉवर करते हैं, हिज ड्रॉइंग फ्लाइट. ड्रॉइंग फ्लाइट का मतलब है गोल गोल घूमना हमिंग साउंड के साथ, भन भन की आवाज करते हुए. ड्रॉइंग फ्लाइट जहां जो भंवरे हैं, भंवराते हैं, भंवरे हैं, मंडराते हैं, उस स्थान पर भन भन की आवाज करते हुए जहां भंवरे मंडराते हैं, अपने उड़ते हैं, उस स्थान को छोड़ करके सभी जगह एक गंभीर शांति छाई हुई है. और कौन से स्थान को छोड़ करके, एंड ड्रॉजी टिंकलिंग लव काम द डिस्टेंट फोर्ड, ड्रॉजी स्लीपी, पहले भी आ चुका है वर्ड ड्रॉजी टिंकलिंग. टिंकलिंग का मतलब है बेल ऑफ एनिमल्स. और टिंकलिंग मीन्स द साउंड ऑफ बेल ऑफ एनिमल्स, द
साउंड ऑफ बेल ऑफ द एनिमल एंड ड्रोजी टिंकलिंग लल ओनिदी घंटियों की आवाज शांति पैदा करती है. द डिस्टेंट फोल्ड दूर स्थित एनक्लोजर फोल्ड्स एनक्लोजर वेयर कैटल आर कैप्ट. दूर स्थित बाड़े क्या समझे? कुछ नहीं समझे. दोबारा से देखें तब समझ में आएगा. ऊपर की दो लाइन एनवायरमेंट का वर्णन करती है. नाउ फेस द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड. अब जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक पूरा जो लैंडस्केप है धुंधला हो गया है, चमक बहुत धुंधली हो गई है. पहले एंड ऑल द एयर सोलम स्टिलनेस होल्ड्स. पूरा जो वातावरण है उसने गंभीर पूरे वातावरण ने गंभीर शांति को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है या उस पर आच्छादित है, पकड़े हुई है या घिरी हुई है. पूरा वातावरण गंभीर शांति से घिरा हुआ है. होल्ड्स है सेवियर सिवाय उन स्थानों के. कौन से दो स्थान बचे हुए हैं देखें? वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रोनिंग वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लैट. जहां पर भंवरे जो है भन बनाते हुए हमिंग साउंड भनवन की आवाज करते हुए उड़ रहे हैं. और द ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड दूर दराज स्थित बहुत दूर स्थित जो एनक्लोजर है बाड़े हैं उनके जो पशु हैं उनकी जो घंटियां हैं उनकी आवाज से कभी कभी ये शांति भंग होती है. अब यहां पर देखिए ड्राउजी टिंकलिंग. आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कभी घंटियां उन्हीं हो सकती है? आपका उत्तर निश्चित रूप से, अब क्लास तो है नहीं, निश्चित रूप से होगा नहीं. तो ये क्या है? मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उसमें द प्लॉग एंड होमवर्क प्लॉट्स इज वेरी वे एक शब्द बताया था, वेरी वे थके हुए रास्ते. वेरी वे थके हुए रास्ते. रास्ते कभी थकते नहीं है, इंसान थकता है. तो उनीदा कौन है? क्या टिंकलिंग उनीदा है? नहीं है. तो इसमें क्या है? इस लाइन की बात करें तो इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया गया है. पहले बता चुके हैं जो छात्र इसको देख रहे हैं उससे पहले मेरी पहली क्लास देखे चीजें बिल्कुल तब समझ में आएंगी. हियर द पोएट यूज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओके, सिवाय दो स्थानों को छोड़ करके कौन कौन से दो स्थान है जहां पर दूर स्थित बाड़े में से जो घंटियों की आवाज है वो और जहां पर भंवरे मंडराते हैं उन दो स्थानों पर ये शांति इंटरप्ट होती है, बाधित होती है. वरना चारों तरफ बिल्कुल क्या है? सन्नाटा है, बहुत गहरी शांति. ये इसका हिंदी एक्सप्रेशन था. थॉमस ने इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब इसके अंग्रेजी में ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस फोर लाइन इन दिस फोर लाइन्स इन इंग्लिश. Thomas Gray tried to describe the environment. He was sitting under the shadeless tree in the country churchyard, and the time is of twilight. He looking at the graveyard says, the poet says that the whole landscape as far as I can see there is a solemn calmness. The whole environment is in under the clutch of serious calmness. The whole except this serious except some sounds like the droning bees, droning beetles and the sound of tinkling from the distant folds. The poet says that there is a harsh calmness all around
in the environment. But at some times this calmness, this stillness interrupts with the sound of humming of bees, humming of beetles, and the sound of the bells, which comes from the enclosure which are situated in the distant places. Okay, इसके बाद हम next four lines लेते हैं. आप एक बार इसे देखें, four line next अभी लेते हैं. These are another four lines. पहले इनका word meaning देखें. Shape, except, shape के बारे में पहले भी बताया. इसके अतिरिक्त जो हमने अब तक पढ़ा उसके अतिरिक्त अब तक हमने क्या पढ़ा कि आवाजें कहां कहां से आ रही थी. भंवरों के हमिंग साउंड से कभी कभी इंटरप्ट हो रहा था वातावरण, और दूर दराज स्थित जो एनक्लोजर्स हैं, बाड़े हैं, उनमें जो कैटल्स हैं उनके घंटी के बजने से. तीसरा क्या है, सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टॉवर. आईवी क्या है, आईवी एंड एवरग्रीन क्रीपर. इट इज यूज्ड टू कवर रूइंड बिल्डिंग्स. सेव दैट फ्रॉम योंडर, योंडर मतलब एट द डिस्टेंस, वहां एट द डिस्टेंस. एक एक वर्ड को देखें. सेव दैट शिवाय इसके फ्रॉम योंडर दूर स्थित माय आईवी मेंटल टॉवर. आईवी कहते हैं एक प्रकार की एवरग्रीन क्रीपर होती है, सदैव हरी रहने वाली एक क्रीपर है. इट इज यूज टू कवर रूइंड बिल्डिंग. सामान्यतः इसका प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां खंडर होते हैं उनको ढकने के लिए. ओके, तो जो मेंटल टॉवर की एवरग्रीन क्रीपर है दूर स्थित, उसमें जो बहुत दूर स्थित आईवी मेंटल टॉवर है, जो चिमनी है, दूर स्थित जो चिमनी है मेंटल टॉवर है, उस पर जो क्रीपर है, जो लता मंडप है, उसमें दूर स्थित द मॉपिंग ऑफ. मॉपिंग का मतलब है साइलेंट एंडटर. साइलेंट, काम, अनइंटरेस्टेड द मॉपिंग ऑल. मॉपिंग ऑल शांत और अरुचि रखने वाला, अपैथी रखने वाला, डलनेस, जिसमें किसी जिसकी किसी चीज में रुचि नहीं है, अपैथी. द मॉपिंग ऑल ये जो हमेशा शांत रहता है, ये जो ऑल है, डस्ट द मून कंप्लेन, ये शिकायत करता है द मून, चंद्रमा से कंप्लेन शिकायत करता है. काय की शिकायत करता है, और सच ऐसे एज वांडरिंग नियर द सीक्रेट बॉवर. सीक्रेट मिस्टीरियस. बॉवर का मतलब है यहां पर आप इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मान लो रहने का स्थान, ए प्लेस टू लिव इन. ऑफ सच एज वांडरिंग नियर द सीक्रेट बॉक्स, ऐसे लोगों की वांडरिंग जो भ्रमण कर रहे हैं, वांडरिंग रोमिंग जो भटक रहे हैं. ऑफ सच एज वांडरिंग नियर द सीक्रेट बॉवर्स, जो उनके रहस्यमय शांत जो स्थान है रहने का ऑल का, उसके पास जाके भटक रहे हैं, वांडर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं.
उनकी शिकायत करता है चंद्रमा से। कौन करता है? सदैव डल और साइलेंट रहने वाला। और आगे देखें, मॉलेस्ट मींस डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हर एंशिएंट सॉलिटरी रीम। डिस्टर्ब मॉलेस्ट डिस्टर्ब करता है हर उसके एंशिएंट ओल्ड प्राचीन सॉलिटरी लॉन्ली। सॉलिट्यूड लॉन्ली रे साम्राज्य एम्परर। अभी आपने वर्ड मीनिंग देखा, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें। शेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टॉवर। उन स्थानों को छोड़कर जो अभी हमने पहले बताए उनके अलावा भी, दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टॉवर, ये जो लता मंडप है आईवी टॉवर का, आईवी मेंटल टॉवर का, इसमें से शिकायतें करने की आवाज आती है। पहली आवाज किसकी थी? ड्रोनिंग बीटल की थी। दूसरी क्या थी? किसकी थी? टिंकलिंग आवाजें थी दूर दराज के एनक्लोजर से। और तीसरी आवाजें किसकी आती है? द मोपिंग ऑल, साइलेंट और डल रहने वाले, सदैव शांत रहने वाले जो ऑल है। डज द मून कंप्लेन, वो चंद्रमा से शिकायत करते हैं। दूर दराज स्थित, बहुत दूर स्थित क्रीपर से ढके हुए, लता मंडप से ढके हुए जो मेंटल टावर्स हैं उनमें स्थित जो उल्लू हैं वो चंद्रमा से उन लोगों की शिकायत करते हैं। एज वंडर्स नियर द सीक्रेट पावर, जो उनके रहस्यमय गुप्त स्थानों के आसपास भटकते हैं, उनकी जो शांति है साइलेंट है उसमें जो दखल देते हैं, इंटरप्ट करते हैं। मॉलेस्ट और जो डिस्टर्ब करते हैं हम एंशिएंट सॉलिटरी रेन, उनके अपने प्राचीन एकांत साम्राज्य, उन लोगों की शिकायत किससे करते हैं? वो चंद्रमा से करते हैं। बहुत शानदार फोर लाइन्स हैं। इनकी आवाज और तीसरी सुनाई देती है। ओके, सिटिंग इन द कंट्री चर्च यार्ड पोएट डिस्कस द कामनेस ऑफ एनवायरमेंट एंड ही सेज दैट समथिंग सम एक्शंस इंटरप्ट्स द कामनेस एंड स्टिलनेस ऑफ द एनवायरमेंट जस्ट लाइक द साउंड ऑफ हमिंग बीटल्स and the sound of tinkling bells from the distant enclosure and the third sound is of the owl which lives in the distant mantle tower that is covered with the ivy and evergreen creeper. It is used to cover the ruined building ivy in which the moping silent and dull all lives. These all complain to the moon as the dynasty of their solitary, their lonely dynasty is interrupted by some stupid wandering persons as they go near their sacred power. When the passers by pass and from the near the secret power, the all begin to complain to the moon. The birds want to say that there is a still calmness all around, and some sounds interrupts the calmness, such as the sound of dawning beetle and the tinkling sound, and third is the sound of owl. They live in ivy mental tower where nobody can go, and they can enjoy the eternal peace, eternal dullness, eternal solitude and loneliness. And as some person goes near the place where the owl live, the owl gets disturbed from the movement of the passersby, and as they get disturbed from the movement of the passersby, they begin to complain to the moon. They complain that some people are interrupting and making disturb in their solitary ancient solitary
रेन दैट दे आर एंजॉइंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। ओके, कवि यह कहना चाहता है कि जो ऑल हैं, उल्लू हैं, वो चंद्रमा से उन लोगों की शिकायत करते हैं जो कि अब जो लोग उनके जो सीक्रेट बॉवर होते हैं, रहस्यमय स्थान रहते हैं। यू नो दैट द ऑल डू नॉट लिव इन ओपन एरिया, वी ऑल नो इट। दे मेक देयर रेजिडेंस एट द प्लेसेस ऑफ लोनलीनेस। तो जो उल्लू होते हैं, ऑल होते हैं, उनको एकांत पसंद है। जैसे उस एकांत के पास से कोई गुजरता है तो जो उल्लू हैं वो उन लोगों की, उन जो पीपल्स हैं, इंटरप्ट करते हैं उनकी सोलिटरी रेन को, उनकी शिकायतें किससे करता है? मून से, चंद्रमा से। ये हमारी चार लाइन थी, फोर लाइन्स थी। इनके बारे में हमने वर्ड वर्ड मीनिंग को भी जाना, हिंदी अर्थ भी जाना और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी जाना। तो इंग्लिश एक्सप्लेन सुनने के लिए आप इसको मोर देन टू और थ्री टाइम्स देखिए, कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, उसके बाद हम क्या है कि जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है सबको लिखाना तो ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से, और आप ये भरोसा कर सकते हैं कि जो हम लिखाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वही क्वेश्चन हम उसी हिसाब से क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन कराएंगे, पिछले कुछ पेपर्स की स्टडी करने के बाद कि वही क्वेश्चंस आने वाले हैं और वही एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। तो हम स्टडी करेंगे पहले पिछले पेपर्स की कि कौन कौन सी हमें एक्सप्लेनेशन करानी है, उसके बाद हम लिखाएंगे। बहुत बेहतर ढंग से लिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, इसको एक से दो बार देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनोगे तो कुछ चीज़ें आपके समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बी सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू।